तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल देसी बॉयज पे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज ना हमारे पास वीडियो है, ना ऑडियो है, ना कोई सीन है, लेकिन उसके पहले 1 2 3 हैप्पी बर्थडे यश भाई। यश नो हैप्पी बर्थडे रॉकी भाई। रॉकी भाई हमारे सॉरी रॉकी का जो कैरेक्टर जो निभाया था फैब, अभी भी वो कैरेक्टर की ज्यादा मुझे पसंद आते हैं। यस, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं नवीन कुमार गौड़ा यानी यश। जी हाँ, यस, जो कन्नड़ा सिनेमा के बहुत ही बड़े सुपर डुपर स्टार है एंड बॉलीवुड एंड ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड छा चुके हैं, क्योंकि केजीएफ एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है यार। यस, तो आज यश का बर्थडे है एंड ये छोटा सा वीडियो उनको गिफ्ट हम देसी बॉयज की तरफ से डेडिकेट कर रहे हैं। उनको गिफ्ट नहीं, उनको कर रहे हैं ट्रिब्यूट। जी हाँ, एक ही बात, सॉरी। हाँ हाँ, वही सही है। तो जैसे कि आप समझ सकते हो कि जो भी ये कन्नड़ा मूवी के फैन है एंड केजीएफ के फैन है, जिनको भी यश बहुत पसंद है, तो हैप्पी बर्थडे यश फ्रॉम द देसी बॉयज। एंड हाँ, आपकी मूवी केजीएफ चैप्टर 1 हमें बहुत पसंद आई थी एंड हम और भी एक्साइटेड है जब सुन के कि संजू बाबा इस मूवी में कैरेक्टर में। यस, तो मतलब ये जो अगर इनकी बात करें स्ट्रगल लाइफ की, पहले टीवी एक्टर थे, उसके बाद फिर डेब्यू किया 2008 में। exactly. और फिर जो मूवी, मतलब जो सारी मूवी जिसने काम किया, सारी मूवी मोगिना मनासु, जो केजीएफ देखने के बाद हमने यश के बारे में और भी जानना पसंद और करा जानना। उनकी मूवीज देखी हमने, कुछ एक मूवी थी गुगली ये 2013 में आई थी गुगली। उसके बाद राजा हुली, फिर राजधानी 2011 में, बहुत सारी मूवी, मिस्टर एंड मिसेस रामचरण 2014 में आई थी। मतलब केजीएफ मूवी देखने के बाद हम लोगों ने काफी यूट्यूब पे सर्च किया हिंदी डब में और फिर हमने इस सब मूवी देखा। एंड बेसिकली अगर बात करें तो यश का जो कैरेक्टर था केजीएफ में रॉकी भाई का जो कैरेक्टर था वो आया और छा गया अभी तक। मतलब जो उसका कैरेक्टर है, हमने एक्चुअली बहुत सारे सीन पे सॉन्ग पे रिएक्शन दे रखा के जी एफ की, हम चाहते थे तो आज बर्थडे विश करें तो ये सिर्फ वीडियो बनता। आप जैसे कि जानते हो यश अपने इंडिया के बहुत ही बड़े सुपरस्टार, इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के सुपरस्टार है, उसी के साथ बियर्ड मैन भी। मतलब और मुझे नहीं लगता कि मतलब जो कैरेक्टर जिस तरीके से निभाया यश भाई ने, कोई और सूट कर भी पाता, इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग यार। और काफी अप्रिशिएट किया, 2018 में आई थी मूवी, उसमें सारे सिनेमाटोग्राफी सॉन्ग सारे सब कुछ बेचता उसमें। यस, काफी अपर लेवल का दिखाया गया था। इस मूवी की बजट भी बड़ी थी एंड सबसे बड़ी बात है कि बॉलीवुड एंड कन्नड़ा सिनेमा दोनों कंबाइंड होकर इस मूवी को बना रहे थे। एंड चैप्टर 2 भी गाइस, चैप्टर 2 का सब वेट कर रहे हैं। जिन्होंने चैप्टर 1 हॉल में देखा है और जिन्होंने मिस कर दिया वो तो काफी पछता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हाँ, बेसिकली मेरे जानने वाले बहुत हैं जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 लैपटॉप एंड टीवी पे देखा, उन्होंने कहा यार हमें ये मूवी को हॉल में देखनी चाहिए। इसका हिंदी राइट ले रखा था फरहान अख्तर जी ने, उसके बाद हम हिंदी में मूवी देखा, लेकिन सारी मूवी जो लैंग्वेज में थी परफेक्ट थी। एंड हम श्योर है कि जो 2 आने वाली है वो और भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और जो 2 का रिलीजिंग डेट जुलाई 2019, तो हम लोग बहुत वेट कर रहे कि आए। इसका ट्रेलर जैन में आने वाला है एक्चुअली, तो जैसे आएगा हम उस पर रिएक्शन देंगे। हाँ भाई, अपन तो वेट ही कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं केजीएफ 2 विथ संजू बाबा। yes. बहुत ही एक्साइटेड है हमारी पूरी टीम। मेजर पॉइंट एक्साइटमेंट का यही है संजय दत्त। बाकी रॉकी भाई तो अपने मांडवा। सलाम रॉकी भाई एंड हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द देसी बॉयज। आप हमें ऐसे एंटरटेन करते रहो एंड आपकी मूवीज ऐसे ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होते रहे बॉक्स ऑफिस पे, आप बहुत ही पैसे कमाओ और बहुत ही नाम कमाओ। जी हाँ, हम एंटरटेन करते रहो बेसिकली। यस, एंड हम चाहते हैं कि जो आपके फैंस है वो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, क्योंकि हमें दिखता है कि आप अगर हम आपके ऊपर वीडियो बनाते हैं कि वीडियो बनाते हैं तो रिस्पॉन्स अच्छा आता है। और इसके पहले भी केजीएफ के कई सारे वीडियो बनाए थे, उस पे भी हमें अच्छा रिस्पांस मिला था। अच्छे लाइक, उनको थैंक यू कहते हैं, जो थैंक यू कहते हैं यश के फैन है। यश के फैन है, थैंक यू। एंड आपके सुपरस्टार का आज बर्थडे है, तो एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट करो और हो सके तो केक वेक भी काटो एंड पिक्स अपलोड करो। एक्चुअली गौरव ने एक सॉन्ग, मतलब मराठी सॉन्ग है, बर्थडे पे गाता है, तू एक बार डेडिकेट करना चाहिए। भाई का बर्थडे वाजले 12, अरे कंपनी पार्टनर अंदर 13, भाई का बर्थडे, ये सॉन्ग था करके, बस ऐसे ही छोटा सा सॉन्ग, इतना ही था। ठीक है, तो ये हमारा था पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने आपके सामने रखा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है, पसंद आया तो लाइक करना, मोटिवेट करो लाइक। बेसिकली हम यश भाई को, अपने रॉकी भाई को ऐसे ही उनके बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक छोटी सी वीडियो देना चाहते थे की तरफ से, तो हमने वीडियो बनाई। ओके गाइस, तो अभी के लिए बस इतना ही, तो फिर हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम द देसी बॉयज।